उषा सोनी ऑफिशियल, आज हम आए हैं प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में, जिसमें को घर बैठे दिखाएंगे प्रमुख स्वामी नगर। प्रमुख स्वामी नगर के बारे में जाने तो फ्रेंड्स, अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी नगर बनाया गया है। इसमें प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस महोत्सव में रोजाना हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। जी हाँ, और इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के लिए बनाया गया यह प्रमुख स्वामी नगर समाज, धर्म, विज्ञान, अध्यात्म के साथ मानवता, विनम्रता, पवित्रता व प्रेम का अद्भुत संगम बन गया है। यहाँ अविरल संस्कारों की सरिता बह रही है। हर रोज लाखों लोग इस नगर में आकर भारतीय सभ्यता, संस्कार, ऋषि परंपरा व धार्मिक और सामाजिक शक्ति का अनुभव करते हैं। इसके 7 प्रवेश द्वारों पर QR कोड लगाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो प्रमुख स्वामी नगर है उसमें टोटल 7 प्रवेश द्वार हैं। तो जिस QR कोड लगाया गया है उसे स्कैन कर व्यक्ति 600 एकड़ की ये जो जमीन में फैले हुए नगर में भ्रमण कर सकता है, और साथ ही अगर वो भ्रमण के दौरान अपना रास्ता भूल जाता है तो वो इस QR कोड के जरिए अपने रास्ते पर पहुंच सकता है। बच्चों को संस्कार के संकल्प, महिला पुरुषों के यज्ञ और हवन की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। वो इस नगर में जगह जगह पर है, जहां पर केवल 20 रुपये में खाना उपलब्ध है। फ्रेंड्स, ये सब जो हम सुंदर नज़ारा देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जाने तो BPS मीडिया का काम देख रहे तीरथ स्वामी जी ने बताया कि 250 से अधिक किसानों ने निस्वार्थ भाव से 2 साल के लिए इस महोत्सव के लिए 600 एकड़ जमीन दी है, जिसमें यह नगर फैला हुआ है। एक अनुमान लगाया गया है कि अब तक महोत्सव में 1 करोड़ से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे दर्शन कर चुके हैं, और बताया जा रहा है कि महोत्सव में हर वक्त 8 से 10 हज़ार विशिष्ट लोग उपस्थित होते हैं। प्रमुख स्वामी नगर अहमदाबाद महानगर के सरखेज गांधीनगर हाईवे के समानांतर बने रिंग रोड पर बनाया गया है। संस्था के वर्तमान महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन से करीब 80,000 स्वयंसेवक 24 घंटे सेवारत है। साथ ही करीब 900 संत महात्मा प्रमुख स्वामी नगर की व्यवस्था, यहां आने वाले नर्म नारियों की सेवा के सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। हम बता दें आपको फ्रेंड्स कि इस नगर को बनाने के काम 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। देश व दुनिया के 10,35,108 पुष्प व पौधों से इस नगर को जीवंत स्वरूप दिया गया। देश व दुनिया के 10,35,108 पुष्प व पौधों से इस नगर को जीवन स्वरूप दिया गया है, और महोत्सव के संचालन के लिए 45 विभाग बनाए गए हैं, जिसमें व्यवस्था, सुरक्षा, लाइट, म्यूजिक, प्रदर्शन, मीडिया, सूचना एवं संवाद, VIP, अतिथि, बुजुर्ग एवं दिव्यांगों की सहायता, 30 भोजनशालाएं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य, सफाई, परिवर्तन आदि कार्य प्रमुख है। आइए देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये जो हम देख रहे हैं वो है बाल नगरी। बहुत ही प्यारी जगह है ये, आइए देखते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो नगर में प्रवेश करते ही प्रमुख स्वामी महाराज की 45 फीट ऊंची प्रतिमा पर्वत की ध्यान खींचती है। शाम होते ही यहाँ हजारों दीपकों से रोशन या गोल आकार वाले प्लेटफॉर्म पर बनी प्रतिमा की आभा देखते ही बनती है। प्रमुख स्वामी महाराज की विशाल हृदय को दर्शाती इस कलाकृति को संत परम हितकारी का नाम दिया गया है। और ये प्रमुख नगरी का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। इसका उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह 15 जनवरी को इसके पूर्णाहुति महोत्सव में शामिल होंगे। भूचाणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी BAPS संस्था स्वामीनारायण संप्रदाय की सबसे प्रमुख संस्था है। देश विदेश में इसके करीब 1200 मंदिर हैं। हमने पूरे इस एक वीडियो में प्रमुख स्वामी महोत्सव का दर्शन किए, पूरा हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।